सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे हफ्ते के शुरुआती एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं यहां मुंबई से तो वीरू नोएडा से। आइडिया है कि 20 ऐसे स्टॉक्स आपके सामने रख दिए जाएं जो आज आप रडार पर रख सकते हैं। आप नॉट नेसेसरली इसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का कॉल बन रहा हो, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और आप आपस में कंसल्ट करिएगा। आप लोग ज्यादा बेहतर प्लेस हैं ये डिसीजन लेने के लिए। अपन बताएंगे कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग, कैसे रही दिवाली? गुड मॉर्निंग आशीष, दिवाली बहुत बेहतरीन रही, अच्छी रही। बस ये है कि दिल्ली का जो हाल है, नोएडा का जो हाल है, वो दिवाली के बाद थोड़ा सा बुरा होता है। वायु प्रदूषण दिल्ली के अगले दिन, मतलब दिवाली के अगले दिन हवा चली थी, ठीक था, लेकिन आज स्थिति थोड़ी ख़राब है और वाकई ख़राब है। आज दिन है मास्क लगाने का, संभलने का। खैर, संभलने का लिहाज में मैं इसलिए भी कह रहा हूँ। हाँ बोलिए आशीष। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँ। मैं तो वो दिवाली वाला और हवा वाला और पोल्यूशन पर जा रहा था, लेकिन आप इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, आप बताओ। हाँ देखिए आशीष, है जहाँ तक प्रोस्पेक्टिव और व्यू का की बात है निफ्टी के, निफ्टी बैंक के, मेरे को बाजार में सिर्फ रिस्क इस वक्त निफ्टी आईटी का नज़र आ रहा है। बाकी अगर आप देखें निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी के अच्छे रोलओवर्स हैं निफ्टी बैंक के। निफ्टी में जिस प्रकार के रोलओवर्स रहे, थिन लो, 12 महीने का लोवेस्ट रोलओवर, ऐसे डेटा अमूमन एक अच्छे, अगर आप देखें, अपसाइड का संकेत देते हैं। यहाँ से बाजार ज़्यादा रिवॉर्ड खींचने के और खोजने के फिराक में रहेगा, इंस्टेड ऑफ आई थिंक शॉर्ट। आशीष, इस सीरीज का बेस रहेगा 24,000, 24,001, वो जब तक स्क्रीन पे है। मेरा प्रोस्पेक्टिव अगले 1-2-3 दिन के लिए लॉन्ग ट्रेड्स को पिक करने का होगा आशीष। अभी शॉर्टिंग का तर्क अगर खुलेगा तो वो है या तो 24,500 के इर्द गिर्द, जहाँ पे आपका 100 DMA प्लेस्ड है, या फिर 24,000 का वायलेशन हो आशीष, तब लीजिए भाई। कंफर्टिंग है वीरू के कमेंट्स इस नए कारोबारी हफ्ते के लिए, इस नए संवत के लिए, इस नई सीरीज के लिए। शुरुआती कमेंट पहले ये सुनवा इसलिए दिया कि अब बताता हूं क्या खड़ा है सामने हमारे। बहुत अहम हफ्ता, नया साल शुरू हुआ है भाई साहब, इस अंग्रेजी में कहते हैं ना बैंग के साथ शुरुआत। चाइना के टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी आज से 5 दिनों की बैठक कर रही है, फैसले शायद ले रही हो किस तरह के फिस्कल मॉनेटरी स्टिमुलस अनाउंस किए जाएं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। कल US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, थर्सडे को फेड बैठक का आउटकम आना है। भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अहम क्यूज। और वीरू कह रहे हैं कम्फर्ट है, शॉर्ट नहीं जाना है, तेजी की तरफ अगर मन बनाना है तो टिल्ट उस तरफ हो। गिफ्ट निफ्टी इस बीच कह रहा है हम खुलेंगे तो पस्त, 1/4% के हल्के दबाव के साथ। दरअसल हम मोटा मोटी 2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट कर रहे होंगे, थर्सडे का प्रेशर वाला और फ्राइडे का बेहतर सेशन, दोनों स्क्रीन पर आ जाएंगे आपके। US की जॉब्स रिपोर्ट बहुत खराब आई, पर क्या है, जैसा मूड होता है भाई, कहने लगे कि वो हरिकेन वाला और वो स्ट्राइक वाला उसका असर होगा। भाई वो तो फैक्टर इन था, तभी एस्टिमेट्स 1,00,000 जॉब क्रिएशन के थे, आया केवल 12,000 का आंकड़ा, पर बाजार ने नजरअंदाज करा उसको और फ्राइडे को अच्छे मूव्स आए। इनफैक्ट शायद नजरअंदाज इसलिए भी कराओ कि इकॉनमी के इस तरह के खराब आंकड़े जस्ट फेड मीट से पहले, हो सकता है अगर कन्फ्यूजन था तो 25 तो डन हो जाता है, 25 से कहीं ऊपर का टिल्ट मिल गया तो बाजार के लिए बल्ले बल्ले। तो खैर पता नहीं बाजार क्या मूड में लेके चल रहा है। 25 basis points ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ये ध्यान रखिएगा। फेड बैठक के, फेड हो या चाइना का लेजिस्लेचर हो, सब इंतजार कर रहे होंगे ट्रंप साहब या कमला जी के लिए किसकी सेवा करनी है, तो उस हिसाब से सब अपनी पॉलिसीज बदलेंगे। खैर देखते हैं आउटकम, अपन बनाएंगे टीम, ग्लोब में जो हो रहा है उस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फोकस करेंगे खबरों वाले स्टॉक्स और जहां सेटअप्स बढ़िया हैं उस पर। दो स्टॉक्स, अच्छा कई सारे स्टॉक्स हैं जो सिमिलर कड़ी से बंधे हुए हैं। पहले दो क्रूड रिलेटेड स्टोरीज और वो अपस्ट्रीम के साथ जा रहा हूं, OMCC की तरफ नहीं जा रहा हूं, ONGC और ऑयल इंडिया। रखिए रडार पे इन स्टॉक्स को, आज भी हो सकता है हरे में हो, अजम्पशन है मेरा, जरूरी नहीं है कि हरे में हो, आप लोग वॉच आउट करिएगा। $75 के करीब ब्रेंट आ गया है भाई, लास्ट फुल फ्लेज ट्रेडिंग सेशन वेनसडे थर्सडे को ये ब्रेंट खड़ा हुआ था 72-73 के आसपास, अब 75 के आसपास के जोन पे धीरे धीरे इंचअप होता चले जा रहा है। अब वो रीजंस कुछ भी हो कि ये डर है कि ईरान इजराइली, तो इधर रिटेलिएशन, डर अलग जगह है,
क्रूड बहुत हद तक सबड्यूड, बार बार चर्चा हुई थी पहले कि यूएस इलेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूड और उसका रहना चाहिए सबड्यूड। इसीलिए आपने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इसराइल ईरान का बढ़ता एस्केलेशन, मिडल ईस्ट का बढ़ता क्राइसिस के बावजूद क्रूड सधा हुआ रहा। अब ध्यान रखिएगा इलेक्शंस खत्म होने वाले हैं, टेक्निकली आजकल में मामला जो हो गया सब कुछ लॉक हो जाएगा, हो सकता है क्रूड पे नजर रखनी चाहिए अपने को, कहीं उबाल ना आए, अगर तो थमा हुआ था तो। वैसे भी अच्छे पोजीशन में दोनों अपस्ट्रीम कंपनीज ONGC और ऑयल इंडिया, इसीलिए आज के सेशन के लिए दोनों ग्रीन रखें। खैर आप लोग रेडा पे रखिएगा इनकाउंटर्स को। दूसरा मतलब ये दो स्टॉक हो गए, तीसरा चौथा जो मैंने रखा है वो ऑटो सेल्स। एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से एक ऑटो सेल्स पे अपन वो मुहूर्त के एक घंटे के सेशन में रिएक्ट कर चुके हैं, पर उसमें इतना मिनिस्क्यूल पार्टिसिपेशन रहता है इसीलिए मैं आज भी मेंशन कर रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं इसने अक्टूबर सेल्स के, टोटल ऑटो सेल्स 20% का जंप, 88,000 स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने 96,000 प्लस का नंबर आया, प्लस इसके ट्रैक्टर सेल्स, स्ट्रीट कह रहे थे सबके साथ, आपने ध्यान दिया हो इस प्लेटफॉर्म पे अपन ने सीधा सौदा की टीम में मेंशन कर रखा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानसून चकाचक आए थे, तो अब टिल शिफ्ट होगा ट्रैक्टर सेल्स की तरफ, वही हो रहा है 30% का जंप, 50,000 यूनिट्स बिकने की उम्मीद के सामने महिंद्रा 65,000 यूनिट से ज्यादा बेच चुका है, बेच डाला अक्टूबर में, इस तरह से शिफ्ट आया। दोनों ऑटो और ट्रैक्टर के बेल्स के नंबर्स गजब है, कुछ हद तक वो एक घंटे के सेशन में रिएक्शन आ चुका है, वो आपकी स्क्रीन पर है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी डाइजेस्टेड सी न्यूज है। दूसरा जो गजब का ऑटो सेल्स नंबर है वो है हीरो मोटोकॉर्प, टोटल सेल्स 18.5% का जंप, डोमेस्टिक सेल्स 7.5%, इसके लिए डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट मिनिस्क्यूल है, डोमेस्टिक 17.5% का जंप है, इवन एक्सपोर्ट्स 43% का जंप है, पर छोटा बेस है, तगड़ा उछाल है उसमें, पर सेल्स नंबर्स बढ़िया है हीरो मोटोकॉर्प के, यही देखना है। वैल्यूएशन सब अपनी जगह कंफर्टिंग है हीरो मोटोकॉर्प के लिए, एक तो सेल्स में वापस उबाल उछाल और दूसरा प्रोडक्ट मिक्स में इंप्रूवमेंट, ताकि वो प्रोफाइल ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, ये दो चीजों पर नजर रखिएगा, अदरवाइज हीरो मोटोकॉर्प की वैल्यूएशन कंफर्ट, पर जब तक ये दोनों चीजें नहीं ट्रिकल इन करेंगी तब तक स्ट्रीट का भरोसा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प अच्छे नंबर्स पे ग्रीन रखा है। वीरू, चार संपला। बिल्कुल, मेरे अब आते हैं तीन आशीष। हाँ। पहला स्टॉक पिक करूंगा मैं, आई थिंक वीकली चार्ट्स और रोल ओवर के फिगर्स के बाद नजर, आरती इंडस्ट्रीज। इसने 13 अगस्त के बाद पहली बार एक क्लोज दिया अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रोलओवर्स अच्छे थे, और दूसरी बात इसको थोड़ा सा रीक करना चाहिए वीकली पे, इस वीकली पे एक रिवर्सल आया है मिड अगस्त के बाद पहली बार, इतना ओवरसोल्ड है कि पूछिए मत, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक क्रॉसिंग इट्स 20 डे, ये एक टिपिकल आई थिंक पुल बैक ट्रेड होगा, स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी जब तक 510 512 के ऊपर है, लेवल ध्यान रखिएगा 510 512 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, और अमूमन जब ऐसे रिवर्सल आते हैं तो पहला टेस्ट होता है 50 डे जो कि प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 563 की जोन में, तो ये मैं मंथली और वीकली सब प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ आपको। पहला आरती अपोलो, आई थिंक खबर में भी है, वर्ली में एक हॉस्पिटल के ओपनिंग के रिगार्डिंग, बट मेरा प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर अपोलो पे पिछले 4-5 दिन से काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रहा है, मैंने इसको 6910 के जोन में पिक किया था, अब 7041 पे क्लोज आ चुका है, अभी भी याद रखिएगा 17th October से लेकर अब तक एक कंसोलिडेशन जारी है, उसमें हमें एक ब्रेक थ्रू क्या मिला है 7,000 के ऊपर, यानी पिछली सीरीज में जो कोलाइटर सबसे बड़ा था अब आप इस सीरीज में उस कोलाइटर के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ तक का मूव, मेरे ख्याल से फर्स्ट इंस्टेंस में करीब 7200 तक की चैनल खुली हुई है, बशर्ते 6980 7000 को प्रोटेक्ट करके चले। अपोलो प्लेसमेंट इसकी स्ट्रांग है, और तीसरा स्टॉक में पिक करूंगा, देखिए एक चीज़ विजिबल थी, चाहे आप BEL को देखिए, चाहे आप HAL को देखिए, चाहे वो कंटेनर कॉर्प को देखिए, PSUs में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही थी, फॉर इंस्टेंस BEL अगर मैं इसको वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूं तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद पहली बार वीकली कैंडल रिवर्स होकर सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हुई है वीकली चार्ट पे, तो क्लोज अच्छा है,
डेली चार्ट्स पे अबव ऑल मूविंग एवरेजेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया इसने मिड ऑफ अक्टूबर में 200 पर 290 के ऊपर करीब करीब 10-12 रुपए का स्विंग यहां पर खुल जाएगा। आशीष मेरे 3 स्टॉक्स। ओके, 2 मेटल्स रखे हैं मैंने पर लाल और हरे दोनों हैं भाई। दुनिया में किसी को नहीं पता चाइना की लेजिस्लेटिव बॉडी क्या आउटकम लाएगी, तो अपन ने बैलेंस कर लिया एक्शन को, पर रीजन अलग अलग है। एनएमडीसी का अक्टूबर अपडेट बढ़िया था, मेरे ख्याल से इस पर कुछ हद तक रिएक्शन उस संवत के 1 घंटे के सेशन में आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। सेल्स 17% का जंप है अक्टूबर मंथ का, ये मंथली अपडेट आते हैं, अक्टूबर मंथ का 17% का जंप, ग्रीन रखा है इसको। प्रोडक्शन अपडेट था 4% का उछाल, लेकिन अपन तो सेल्स पे फोकस करेंगे और गजब का उछाल। मॉइल बीच में मेरे ख्याल से 2 महीने, खैर उस पर मत जाइए, मुझे याद ऐसा पड़ रहा है कि इसने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस में तगड़ा उछाल लिया था। ये सैटरडे का अपडेट है, यानी कि मुहूर्त सेशन के बाद का, जिसको अब हमें डिस्काउंट करना है। इसने अपने दोनों प्रोडक्ट्स ओर विद मैगनीज कंटेंट 44% से ज़्यादा और दूसरा 44% से कम प्रोडक्ट के प्राइसेस काटे हैं। 44% ज़्यादा कंटेंट वाला 7% काट दिया गया है और दूसरा अभी 1% के आसपास ही प्रोडक्ट प्राइसेस में कटौती ली है। मॉइल को लाल लेके चल रहा हूँ, लेकिन मॉइल वैसे ही ऑलरेडी तगड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। साल का चार्ट आएगा तो मेरे ख्याल से स्टॉक 600 तक के भाव दिखा चुका है और उसके बाद करेक्शन है, तो हो सकता है बहुत हद तक ये बाजार बचा रहा हो। ये देखिए आप, मामला ठंडा पड़ रहा है, पर ठीक है, मैं इसको लाल लेके जा रहा हूं इस न्यूज पैक पे। वीरू 6 हो गए जी। मैं अगले 3 आते हैं आशीष, और मैं अगेन उसी थीम पे, जिस थीम पे मैंने BL को पिक किया था, कंटेनर कॉर्प, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। देखिए नंबर्स इस बार के स्ट्रॉन्ग थे, हालांकि Q2 में थोड़ा मिस हुआ, स्पेशली डोमेस्टिक फ्रंट पे और एग्जिम फ्रंट पे, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बट स्टिल इन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो गाइडेंस है उसमें कोई तब्दीली नहीं की है। इसने फ्राइडे और सैटरडे में अपना 20 DMA को टेस्ट किया, ये भी एक रिवर्सल ट्रेड है, और लगभग आप समझ लीजिएगा कि 21 जून के बाद इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली बार क्रिएट हुई है जिसपे इसने 100 DMA को रीगेन किया। नाउ एज फार एज डेली इज कंसर्न, देखिए फ्रेश मोमेंटम अब तब आएगा जब ये करीब 850 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे, यानी 20 DMA के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे, और अगर ये होगा तो ये 2 अगस्त के बाद पहली बार होगा, तो 850-852 के ऊपर एक नया ब्रेक थ्रू ब्रेकआउट इसको मिलेगा, बशर्ते 840-838 को मेंटेन करे। इंडियन होटल्स ने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अगर आप सितंबर की सीरीज को रीड करें, अक्टूबर की सीरीज को रीड करें, अबव 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पिछले 5-7 सेशन से इसमें कंसोलिडेशन जारी है, मेरे ख्याल से 24 अक्टूबर से इस छोटी सी रेंज का हायर ट्रेजेक्ट्री टच किया इसने लास्ट सेशन में, 690 के ऊपर 705-710 तक की पॉसिबिलिटी लग रही है। रीड कीजिएगा इस स्टॉक को, स्पेशली ऑप्शन स्ट्राइक्स को, और ये लॉरस लैब पोस्ट अर्निंग्स, इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, 499 पे क्लोज हुआ, और ये क्लोज जो है वो अगर आप थोड़ा सा अगर आप वीकली पे कन्वर्ट करें तो याद रखिएगा पोस्ट July 1st वीक ये सबसे स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज है, सबसे स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज, मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ब्रेकआउट है अभी 521-525 की ट्रेजेक्ट्री इसमें ऊपर नजर आ रही है, टिल द टाइम इट मेंटेन्स 490 ऑन द डाउन साइड, 490 अगर मेंटेन कर रहा है तो प्लेसमेंट अच्छी है स्टॉक की। खैर आशीष ने यहाँ पे 6 स्टॉक्स का जिक्र किया, मैंने 6 स्टॉक्स का उल्लेख किया, याद रखिएगा ये किसी भी प्रकार से बाय की रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ नंबर्स, न्यूज फ्लो और टेक्निकल डेरिवेटिव प्लेसमेंट है। गिफ्ट टिप्स आपकी स्क्रीन पे, अभी 61 अंक नीचे, छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, फिर बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से सीधा सौदा में। ब्रेक से पहले आपने आशीष और मेरे 6-6 लॉजिक्स को समझा, याद रखिएगा लॉजिक के मुताबिक मेरी टीम जो है वो आज ग्रीन में है, हरे में है, और मैं 24,000 के नज़दीक, 24,200 के नज़दीक बाय की और ग्रीन की कंस्ट्रक्टिव की पॉजिटिव की अपॉर्चुनिटी तलाश रहा हूँ। फिर अगला स्टॉक होगा पॉलीकैब, स्पेशली आप आज कल परसों ये 3-4 दिन के प्रोस्पेक्टिव से इस पर नज़र रखिएगा। इसने लास्ट 2 सेशंस में एक रिवर्सल के संकेत जनरेट किए, लास्ट सीरीज में भी ऐसा ही हुआ था, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से सीरीज के कमेंसमेंट के दिन इसने बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक दिया था, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में है और इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है, करीब समझ लीजिएगा कि आप 6200-6300 के आसपास, क्लोजर टू 200-day एक्सपेंशन एवरेज। पहला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ होगा, मेरे ख्याल से 6640, जहाँ पे 100 DMA पॉसिबल है, 100 DMA अलाइंट है, वहाँ तक की
पोजिशनिंग अगर आप देखें तो मेरे को लगती है कि इस पुल बैक में आ सकती है पॉली कैप, बशर्ते कि ये एक ट्रेजेक्ट्री वो है 6420 6440 उसको होल्ड करे। टाटा पावर अगेन वो स्टॉक है जो कि अर्निंग्स का सपोर्ट लेके चलता हुआ, नंबर्स के बाद इसने एक पुल बैक दिया कहाँ से, करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 410-420 की ट्रेजेक्ट्री से 445 पे क्लोज आया, ये क्लोज सारे एवरेजेस के ऊपर है। और याद रखिएगा अगला सप्लाई जोन इसका परसिस्ट करता है चार्ट्स के मुताबिक 466 और 470 के जोन पे, वहाँ तक का स्विंग आ सकता है बशर्ते ये करीब करीब 438-435 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करे, जिस प्रकार की पुट राइटिंग है मेरे को लगता है। मैं जो अगले दो स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ वो रोलओवर्स की शीट पे सबसे इम्प्रेस करने वाले हैं विद लीस्ट रिस्क एंड बेटर रिवॉर्ड, रैमको सीमेंट्स, ये मेरी टीम में लास्ट महीने कई बार शामिल रहा जिसके बेस को मैं लोकेट करने की कोशिश कर रहा था। रैमको सीमेंट्स में अगर आप देखें एक बेस बना है, एक बार टेक्निकल चार्ट ले आइएगा इसका, 28 फरवरी के बाद इसने सारे क्लस्टर्स को पार किया, स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स विद कॉस्ट पॉजिटिव, और अगला इसका जो सप्लाई पॉइंट है वो परसिस्ट करता है करीब 950 के आसपास। तो मैं चार्ट कह रहा हूँ, चार्ट दिखाइएगा प्लीज़, तो इस पर नजर रखिएगा रामको सीमेंट्स पर। और मेरा आखिरी स्टॉक है दैट्स HDFC बैंक। आशीष, HDFC बैंक मेरी जो सुबह की कमेंट्री थी निफ्टी बैंक की कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव, वो एक इस स्टॉक के आधार पर है। याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा जब तक ये 1720 के ऊपर है, 1710 के ऊपर है, 96% रोलओवर्स विद कॉस्ट पॉजिटिव, इम्प्रेस कर रहा है HDFC बैंक इन एंटायर बैंकिंग स्पेस। कहां तक का फर्स्ट ट्रांच में 1780-1790 मूव परसिस कर सकता है। आशीष, मेरे 10 आज के जो आकलन है वो पूरे हो चुके हैं। आशीष बहुत बढ़िया, अगले चार स्टॉक्स रडार पे रखिए, सन फार्मास्यूटिकल्स को, पता नहीं क्या सता रहा है बाजार को ऑफ लेट, फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है, खैर वो रीजन नहीं है। सन फार्मा की एक ड्रग है जो कि सिवियर एलोपीशिया, अब दवा का नाम से बचने की कोशिश कर रहा था तो बीमारी के नाम में फंस गया मैं, पर एक इंटरेस्टिंग ड्रग है जिसके लॉन्च में अब डिले होगा। US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी ने प्रिलिमिनरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया है जिसके चलते इस ड्रग का अब लॉन्च डिले होगा, जब तक फेवरेबल डिसीजन नहीं आएगा तब तक, या फिर पेटेंट की पूरी एक्सपायरी तक लॉसूट की तब तक ये मामला फंसा रहेगा। तो सन फार्मास्यूटिकल की खबर तो थोड़ी सी ठंडी लग रही है। प्रीमियर एनर्जीज वो हाल की लिस्टिंग, इसको मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं 560 करोड़ के, ये फ्राइडे को उछला था, न्यूज सैटरडे की है ध्यान रखिएगा, ये बाजार के लिए फ्रेश न्यूज है इसीलिए ग्रीन कर दिया। और दो और ऑटो स्टॉक्स, और इसलिए कह रहा हूं अपफ्रंट, अपन ने M&M और मेंशन करता था हीरो मोटोकॉर्प अच्छे सेल्स नंबर्स पे, यहां पे दो लॉन्चेस के चलते दोनों इंटरेस्टिंग लॉन्चेस हैं, दोनों ईवी लॉन्चेस हैं। पहला मारुति सुजुकी को रेडार पर रखिएगा, मारुति सुजुकी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अब ट्रांजिशन, अब तक ईवीज में उतरा नहीं है, 2025 में कहा था पहली ईवी लॉन्च कर देंगे उसके बाद जड़ी लगा देंगे, तो मारुति सुजुकी कह लीजिए या सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन कह लीजिए, यह अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीएक्स मिलान में आज शोकेस करेंगे। ये शोकेस मतलब ये पहला प्रोडक्शन वर्जन है जो शोकेस होगा, यानी कि जो रोड पे दिखने वाला अपने को वो शोकेस होगा आज, और ग्लोबली ये जो प्रोडक्शन है ये मारुति के गुजरात प्लांट ही करने वाला है। ये लॉन्च इंटरेस्टिंग होगा, आज मिलान के टाइम के हिसाब से अगर मार्केट बैंड में नहीं आया तो कल सुबह दिखाऊंगा आपको मॉर्निंग कॉल में। आयशर मोटर्स इसको भी हारा लेके जा रहा हूं, सेल्स नंबर्स हो गया उसकी बात नहीं करेंगे आज, ये भी रॉयल इनफील्ड पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आज अनवेल करने जा रहा है, इनकी भी पहली ईवी आज दिखाई जाएगी, दोनों ग्रीन। ऑटो का तड़का थोड़ा ज्यादा हो गया ये ध्यान रखिएगा, पर खबरें अलग अलग थी इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूं। आप सिर्फ वॉच करिए 10-10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। सीधे सौदा में आप सभी का स्वागत है, आपने एनालिसिस को सुन लिया होगा, अब फाइनली आपकी स्क्रीन पे टीम्स को फिर रखता हूँ मैं यहाँ पे, मेरी पूरी टीम आज हरे निशान में है,
आरती इंडस्ट्रीज, फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल और वीकली चार्ट, अपोलो हॉस्पिटल, न्यूज फ्लो स्ट्रॉन्ग है, सेटअप स्ट्रॉन्ग है, 7000 के ऊपर क्लोज हुआ। BEL कॉनकोर BSU स्पेस में मेरे को अच्छा लगते हुए, इन होटल्स का सेटअप स्ट्रॉन्ग, लॉरस लैब में मोमेंटम जारी है, पॉलीकैब रिवर्सल ऑन न्यू सीरीज और टाटा पावर अगेन मोमेंटम पोस्ट अर्निंग्स और HDFC बैंक और रैमको सीमेंस को मैंने रोल ओवर्स के आधार पर आज लॉन्ग साइड पे पिक किया है। आशीष की मेरी टीम थी 10 के 10, हरे बढ़िया सेटअप्स हैं आपकी स्क्रीन पे, 10 की सीधा सौदा की मेरी टीम स्क्रीन पर रख दीजिए। 2 लाल में सन फार्मा के एक लॉन्च के डिलेज का अपडेट और मॉइल ने प्राइसेस काटे अपने प्रोडक्ट्स के, अदरवाइज क्रूड उछल रहा है तो ONGC ऑयल इंडिया अपस्ट्रीम वाले हरे। ऑटो सेल्स पे M&M पे ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं एक मुहूर्त सेशन में, लेकिन फिर भी ग्रीन लेके जा रहा हूं और हीरो मोटोकॉर्प पे नहीं करा था, इसको ग्रीन दिखा रहा हूं। NMDC का अक्टूबर अपडेट स्ट्रॉन्ग था, ये मुहूर्त सेशन में अपन ने कुछ हद तक रिएक्ट कर दिया है। प्रीमियर एनर्जी, इसकी सैटरडे को खबर आई थी ऑर्डर बैक करने की, इसीलिए ग्रीन है। मारुति सुजुकी और आयशर मोटर्स अपने अपने EVs आज अनवेल करेंगे, लॉन्च अपडेट्स आएंगे, इसीलिए दोनों को ग्रीन रख दिया है। 10 स्टॉक्स पूरे।